तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या होता है, कैसे मिलता है हमें और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या यूज है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एक और नेम है, इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ओके, और ये क्या होता है, ये एक बेस होता है, हमें पता है ना, ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, तो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है उसमें हमने देखा था। अब ये कैसे ऑब्टेन होता है, देखो हमने सॉल्ट्स में पढ़ा था, जो सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट NaCl, उससे बहुत सारे कंपाउंड्स जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, उनमें से एक है सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड। देखो ये इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक मान लो एक पॉट है, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो एक बैटरी के साथ कनेक्ट होंगे, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसको हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव को बोलते हैं हम कैथोड। ओके, इसमें वाटर मिक्स कर देते हैं और इसमें क्या डाल देते हैं, सॉल्ट मिक्स कर देते हैं। ओके, इस वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होगी, तो ऑब्वियसली देखो हमने वाटर में सॉल्ट मिलाया तो सॉल्ट जो है वो अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है ना, अपने आयनाइज हो जाता है, जिन्हें हमने पढ़ा था एक्वा सॉल्यूशन में जो सॉल्ट है वो आयनाइज हो जाता है। अब क्या होता है, जब ये आयनाइज होता है तो जो कैथोड एनोड है, एनोड पर क्लोरीन गैस निकलने लगती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन है, तो क्लोरीन बहुत सारी क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस एनोड पर रिलीज होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगती है, और हमें जो कंपाउंड क्या मिलता है, और इसमें जो कंपाउंड बचता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, तो ये होता है एक मेन जो प्रोसीजर है इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सबसे पहले तो ये व्हाइट सॉपी सॉलिड है, ये सॉलिड होता है पर इसको जब हम टच करेंगे तो ये सॉप जैसा फील होता है, मोस्टली जो बेस होते हैं उनका टच सॉपी ही होता है। ओके, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन अप्रोक्सीमेट 300 डिग्री सेल्सियस के पास होता है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, और ये वॉटर में सोल्यूबल है, ये वॉटर में अच्छे से जो है सोल्यूबल होता है। और देखें ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पता है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आयनाइज हो जाता है, मींस ये अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है, Na प्लस और OH नेगेटिव। ओके, तो ये अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है, किसमें, एक्वा सॉल्यूशन में या वाटर में। और देखें ये क्रिस्टलाइन होता है, मींस इसके जो मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, क्रिस्टल जैसे, डायमंड्स में आपने देखा ना, तो आप ये मान सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनाते हैं, क्रिस्टल्स की तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूजेस है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं। तो देखें तो सोप बनाने में यूज होता है, जो हम सोप यूज करते हैं, क्योंकि सोप क्या होता है, बेसिक होता है, हम जो है जनरली हम जो है बहुत सारे बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आते हैं, जो है सॉइल के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो हमारी स्किन पर एसिड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तो ये हम जो है एज अ बेस यूज करेंगे सोप। तो सोप क्या होता है, एक बेस होता है। ओके, और ये पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है और सिल्क प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। और देखें तो ये मेटलर्जी और बॉक्साइट, मेटलर्जी क्या होता है, देखो मेटलर्जी मीन्स हम देखो हम जो है रॉक्स को जो है खुदाई करते हैं ना, माइंस होती है, तो बहुत सारे जो है मटेरियल्स मिलते हैं, बॉक्साइट जो है आयरन का एक मटेरियल है, तो बॉक्साइट में से आयरन को अलग करना है क्योंकि हमें प्योर आयरन चाहिए, ठीक है, तो हम उसका यूज करते हैं जिसको हम ओर बोलते हैं, है ना, ओर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो है मटेरियल जो है उसको और बोलते हैं। तो माइंस में बॉक्साइट की मेटलर्जी, बॉक्साइट से आयरन कैसे जो है हम बनाते हैं, उस प्रोसीजर में हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और देखें
पेट्रोलियम में भी प्योरिफिकेशन, पेट्रोलियम क्या होता है, बहुत सारे पेट्रोल डीजल कैरोसिन बहुत सारा एक मिक्सचर होता है, तो उसका भी प्योरिफिकेशन में हम किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इसका यूज हम फैट्स और ऑयल्स में जो है, वेजिटेबल्स ऑयल्स और वेजिटेबल फैट्स जो है, जो इनके प्रोसेसिंग में भी हम जो यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का।